I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real. What's up guys, this is Vikar. Welcome back to my channel again. Aur ye hai apna ek hi din ka dusra vlog. To scene abhi kuch aisa hai, yahan se hum log jane wale hain. बेसिकली अपना CV होंडा CV 300 जो बाइक पहले थी विद न्यू वर्जन अभी आई है तो उसका अभी आज लॉन्च इवेंट है तो हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं होंडा बिग विंग. तो ज़्यादा दूर नहीं है अपने को, थोड़ा सा मौसम भी अभी सही हो गया है क्योंकि दोपहर में जब निकले थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी. एंड देन उसके बाद में आज का संडे इन्जॉय करेंगे. तो अभी पहुँचते हैं जल्दी से शोरूम और वहाँ पर जाके आप लोगों को दिखाते हैं लॉन्च इवेंट. अरे क्या बात है भाई, पूरा भक्ति वाला टी शर्ट पहन रखा है. पूरा मतलब लॉकडाउन खत्म. अरे सही, क्या खत्म? लॉकडाउन तमिलनाडु में. हाँ बढ़िया. हाँ अभी बंद ही कर देंगे. प्लग डाले क्या? वही है ना ये वाला तुम्हारा यार, वो PPF बहुत गंदा दिख रहा है अभी. खराब हो गया ना, बहुत ज्यादा स्क्रैच हो गया. फिर से डाल दो नया वाला. आ जा. सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं होंडा बिग विंग में. एंड यहाँ पे बाइक का लॉन्च है. तो यहाँ पे कुछ कुछ बाइकें खड़ी हुई हैं. ये है होंडा की 650R और अच्छी है, नेकेड बाइक है यार. एग्जॉस्ट बिल्कुल छोटा है. अच्छा यहाँ पे है CB, ये 500X, ये अफ्रीकन ट्विन नई वाली, मस्त लग रही है ना बट ये. होंडा बिग विंग का शोरूम. ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे होंडा बिग विंग के शोरूम में. एंड यहाँ पे अपना CB 300 का जो नेकेड वर्जन है उसका लॉन्च हुआ है. तो अभी हम लोग यहाँ से अराउंड पहुँचे 3:30 बजे. तो बुल्लू भाई चीफ गेस्ट आज के, तो हम लोग तो साथ में ही थे तो, बट हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए पहुँचने में. बट एनी वेज काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे. एंड जो बाइक है ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस का बाद में करेंगे क्योंकि अभी जो टेस्ट राइड है उसके लिए अवेलेबल नहीं है बाइक. यहाँ से हम लोगों का सीन कुछ ऐसा है कि एक बार बाइक वाइक का लॉन्च हो जाए देन उसके बाद में हम लोग निकलेंगे. और ये वाली भी बाइक है, ये भी काफ़ी अच्छी है CB 500X. एंड इसका भी रिव्यू किसी दिन मिला टाइम तो ज़रूर बनाएंगे. So, to have you unveil the newly introduced and most awaited CB 300R. Aap boliye sir, aapka first impression jab launch hua tha when the vehicles were shown at IBW. So CB 300 actually I have ridden it for about 300 kilometers. So what I feel is ki a combination of city and highway motorcycle. So generally kya hota na, jo bhi motorcycles aap lete ho either they are good at highway or they are good at city. तो ये एक ऐसी बाइक है कि हल्की फुल्की बाइक है, मतलब मुझे CB 600 650 बहुत अच्छा लगता है उसी की वजह से. सो इट्स दैट काइंड ऑफ बाइक कि आप सिटी में भी आपको अच्छा लगेगा और हाईवे पे लगेगा. बीच में बंद हो गया था एक्चुअली, लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू बाय बट बंद हो गया था. गुड दैट दे आर लॉन्चिंग इट अगेन. बाकी आप लोगों का कैसे क्या चल रहा है? कितने लोग आप में से होंडा की राइडर्स है? राइडिंग होंडा I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told it if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you. Thank you. I think I did a lot of booking for this one. Nice.
tell what is the difference from the normal line to the ये वाला कलर लॉन्च हुआ है, आर्मी ग्रीन कहेंगे, पता नहीं क्या कलर थीम, आप लोग चेक कर सकते हो। एंड एक ये है लिमिटेड एडिशन, ये है फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल जो है लुक अच्छा है, स्पार्कलिंग सा, इस पे टैंक पे अगर दिख रहा होगा तो ऐसा कुछ दे रखा है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर अच्छा खासा, तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। यहाँ पे पूरा होंडा बिग विंग, मतलब यहाँ पूरी जर्नी 1959 से, तो ये सबसे ओल्ड वाली बाइक जैसी ऐसी आती थी, यहाँ से लेकर पूरा दिया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2020 तक का, तो 2020 में जैसे कि CB1000R और CB300R जो बाइक आज लॉन्च हुई है, तो अच्छा है यार, मतलब काफ़ी सारी बाइक्स हैं इनके भी, और होंडा के इंजन स्पेशली मतलब उसकी रिफाइननेस के लिए जाने जाता है।